गरीब और असहाय परिवारों के लिए बनाए जाने वाले खाने में विधायक अनीता बदेल ने दिया योगदान। कोविड 19 संक्रमण महामारी को देखते हुए भामाशाहों द्वारा अपना योगदान दिया जा रहा है, जिससे कि लॉकडाउन में कोई भी गरीब परिवार भूखा ना सोए। वहीं अजमेर के सुभाष नगर राजीव गांधी कॉलोनी में पूर्व पार्षद सोहन शर्मा द्वारा भामाशाहों से सूखी सामग्री उपलब्ध करवाकर के लिए खाना बनवाकर बंटवाया जा रहा है। वहीं दक्षिण विधानसभा विधायक अनीता बदेल द्वारा जहां खाना बनाया जाता है, वहां पर जाकर खुद गरीब परिवारों के लिए रोटियां बनाई जा रही हैं। विधायक अनीता बदेल ने बताया कि पूर्व पार्षद द्वारा भामाशाहों से सूखी सामग्री उपलब्ध करवाकर सुभाष नगर राजीव गांधी कॉलोनी कच्ची बस्ती में रह रहे गरीब परिवारों के लोगों के लिए खाना बनवाकर बंटवाया जा रहा है। वहीं क्षेत्र के लोगों द्वारा खाना बनवाया जा रहा है। वहीं अनीता बदेल ने कहा कि लोगों के श्रमदान को देख वह खुद भी सभी का हाथ बटाते आती है और गरीब परिवारों के लिए रोटियां बनाती है। सुभाष नगर के राजीव गांधी कॉलोनी हमारी कच्ची बस्ती है। यहाँ गरीब वर्ग के लोग रहते हैं और इनकी व्यवस्था के लिए हमारे पूर्व पार्षद जो हैं सोहन शर्मा जी द्वारा यहाँ व्यवस्था की गई है। उन्होंने भामाशाहों से सूखी सामग्री एकत्रित कर यहाँ स्वयं भोजन बनवाते हैं। पिछले 21 दिनों से ये व्यवस्था जारी है। दोनों समय भोजन दिया जा रहा है ताकि कोई गरीब व्यक्ति भूखा नहीं सोए। और उसके लिए मैं यहाँ कॉलोनी के जितने भी लोग हैं उनके श्रमदान को दाद देती हूँ कि वो गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन उनके पास हाथ हैं खाना बनाने के लिए। वो अपना सहयोग अपने श्रमदान के रूप में कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है।